जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं जनता इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं कर रही और देश को स्वच्छ बनाने की बजाय उसे गंदा करने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, ऐसा ही नज़ारा राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर देखने को मिला, जहां लोग तो गंदा करते ही है, वहीं राहगीरों को रोड पर पड़े कूड़े की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि कूड़े से बदबू तो आती ही है, साथ ही गाय की वजह से भी परेशानी होती है, क्योंकि ये गाय कब वाहन के सामने आ जाए कुछ नहीं पता। समस्या ये है कि यहाँ कूड़ेदान इतने बदबू देता है, कम से कम 5-5 दिन के बाद, 2-2 दिन के बाद वहाँ से सफाई होती है, लेकिन इतने बदबू देती है। यहाँ से लाखों लोग रास्ते से जाते रहते हैं, स्कूल के बच्चे आते रहते हैं, इतने बदबू की वो परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। बहुत सारी रीने हैं, हॉस्पिटल भी पास में नहीं है। यहाँ अगर कोई जाम भी लगता है, इतनी तगड़ी जाम लगती है, घंटों तक जाम लगी रहती है। अगर कोई एम्बुलेंस या कुछ फंस जाता है तो यही है कि यही वो वानी वो फंसे रह जाते हैं। और यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ से कम 5-7 किलोमीटर दूर है मेरे अंदाज से, या 10 किलोमीटर दूर होगा संजय गांधी हॉस्पिटल।